हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैशबुक का जो टॉपिक था वो अच्छे से समझ लिया था। अब आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे सिंगल कॉलम कैशबुक से रिलेटेड। तो हम लोग करने वाले हैं इलास्ट्रेशन 1, जहां लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैशबुक। तो 2017 में ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं। मार्च 1 को यहाँ लिखा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पे इन्होंने हमें सिंगल कॉलम कैशबुक बनाने को बोली है। सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट बनाएंगे यहाँ पर। तो कैशबुक का जो फॉर्मेट होता है नॉर्मल एक अकाउंट वाला हमने फॉर्मेट बनाना है। तो ऊपर हम लोग लिखते होते हैं इन द बुक्स ऑफ, नहीं पता किसकी बुक्स में बना रहे हैं, खाली छोड़ देंगे यहाँ पर। फिर हम लिखते होते हैं कैशबुक। कैशबुक क्योंकि एक नॉर्मल लेजर अकाउंट ही है, दो साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। साथ ही में हम सारे कॉलम्स भी बना लेंगे। पहला कॉलम हमारे पास है डेट का, दूसरा कॉलम हमारे पास होता है पर्टिकुलर्स का, और हमें अच्छे से पता है इस साइड हमने क्या लिखना है। इस साइड हमने लिखनी ही रिसिप्ट है, बिकॉज कैश को हम लोग डेबिट कब करते हैं, डेबिट इंक्रीज इन कैश या डेबिट इंक्रीज इन एसेट, इसलिए यहाँ पे हमने रिसिप्ट लिखनी है कैश की। उसके बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम हमारा रहता है वाउचर नंबर का, तो वी डॉट नंबर लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट कॉलम लेजर फोलियो का, दोनों कॉलम्स खाली रहेंगे ज़्यादातर क्वेश्चंस में। उसके बाद जो कॉलम होगा वो है अमाउंट इन रुपीज़। उसके बाद ये सारे कॉलम्स यहाँ पे भी हमने ऐसे ही लिख देने हैं, डेट पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या आएंगी पेमेंट्स आएंगी, क्योंकि क्रेडिट साइड कैश को कब क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए यहाँ पे सारी पेमेंट्स आएंगी। उसके बाद फिर से वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट इन रुपीस। ऐसे करके हमने पूरा जो फॉर्मेट है कैशबुक का वो हमने बना लिया नॉर्मल लेजर अकाउंट वाला फॉर्मेट ही कैशबुक का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मेट बना रहे हो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, पर्टिकुलर्स के साथ ब्रैकेट में लिख लो रिसिप्ट्स और यहाँ पे पर्टिकुलर्स के साथ ब्रैकेट में लिख लो पेमेंट्स। आपकी मर्जी, आपको लिखना है लिखें, नहीं लिखना ना लिखें। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमें दी हुई है मार्च 1 को, जहाँ लिखा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 20,000। हमें अच्छे से पता है जोनल एंट्री क्या होती है, बिजनेस कमेंस करने की कैश लगाकर जोनल एंट्री हमारे पास होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये कैश अकाउंट ही है, तो इन कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। पहला सोचने का तरीका ये, जैसे हम असल में सोचते होते हैं पोस्टिंग करते वक्त, बिकॉज दिस इज कैश अकाउंट ओनली, तो हम लोग ऐसे करेंगे इन कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। सिर्फ कैश बुक बनानी है, दूसरा इफेक्ट तो देना ही नहीं, तो उसके बारे में तो सोचना भी नहीं, सिर्फ कैश के बारे में सोचना है। तो हम लोग इन कैश अकाउंट हम लोग यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। और दूसरा सोचने का तरीका क्या है, हमें पता है डेबिट साइड में क्या लिखना है, टू ही लिखना है, क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, बाय ही लिखना है। अब डेबिट साइड पर लिखना क्या है, रिसिप्ट्स लिखनी है, तो कैश अगर आप लगा रहे हो बिजनेस में तो कैश आपका बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या होना था, इसी साइड पर एंट्री होनी थी। और कमेंस कर रहे हो बिजनेस कैश लगा के, तो कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व होना था, तो यहाँ पे दूसरे अकाउंट का ही नाम होता है जिसके कारण ये वाला अकाउंट डेबिट हुआ। तो दूसरा सोचने का तरीका ये है, जब भी रिसिप्ट होगी कैश की आके इस साइड लिख देनी, और नाम क्या लिखना है, दूसरे अकाउंट का लिखना है, और जब भी पेमेंट होगी कैश की तो आपने इस साइड आके वो अमाउंट लिख देनी है, और साथ ही में वो दूसरा अकाउंट लिखना है जिसके कारण वो पेमेंट हुई है। तो दो तरीके सोचने के, कैसे भी सोचो आपकी मर्जी है। तो पहला इफेक्ट हम लोग देते हैं यहाँ पर, कैश आ रहा है हमारे पास कैपिटल के कारण, तो हम लोग इस साइड गए, यहाँ पे हम लोग डेट लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 2017 मार्च 1 को ये हुआ। तो मार्च 1 को हमने पैसा लगाया है, पैसा आ गया क्योंकि रिसिप्ट हो रही है कैश की, तो इस साइड लिखना, यहाँ मैंने लिखा टू, किस कारण से आया, कैपिटल के कारण आया, तो यहाँ मैंने लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट इसी के सामने लिख दी 20,000 रुपीज़। कैश आया था, रिसिप्ट साइड गए, रिसिप्ट साइड जाकर हमने लिखा टू कैपिटल अकाउंट। तो बहुत ही इजी सी चीज़ है, जब भी आपको कैश बुक बनाने को बोली हो तो इतना ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। इसलिए नहीं सोचना पड़ता क्योंकि हमें पता है रिसिप्ट होगी इसी साइड लिखनी है, पेमेंट होगी इस साइड लिखनी है, और साथ ही में दूसरे अकाउंट का नाम लिख देना है जिस कारण से वो रिसिप्ट हुई या जिस कारण से वो पेमेंट हुई है।
एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी है, बना क्या रहे हैं हम, कैश बुक बना रहे हैं, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी यहाँ पर, उधार वाली ट्रांजैक्शंस कोई भी यहाँ गलती से भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब सब्सिडरी बुक्स में जो भी सब्सिडरी बुक आप बना रहे हो, फर्स्ट लेक्चर ऑफ सब्सिडरी बुक जो हमने सीखा था वहाँ हमने अच्छे से देख लिया था किस बुक में क्या क्या रिकॉर्ड हो सकता है। तो अपने दिमाग में सबसे पहली चीज ही वो बिठानी है आपने, जब भी आप कोई सब्सिडरी बुक बना रहे हो कि इसमें हो ही क्या सकता है रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड हो सकता है सिर्फ वो यहाँ पर आएगा, बाकी सब इस बुक में आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ओनली कैश रिसिप्ट, ओनली कैश पेमेंट, कैश बुक बना रहे हैं सिर्फ इतना ही आएगा। अगली ट्रांजेक्शन पे जाएंगे हम लोग, मार्च 2 को यहाँ लिखा है बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज 5000। तो अब गुड्स हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं, एंट्री क्या होती है इसकी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स खरीद कर लाए, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, तो इन परचेजेस टू कैश, तो इन कैश अकाउंट बाय परचेजेस अकाउंट, ये कैश अकाउंट है, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। या फिर से आसान वाला तरीका सोचने का, गुड्स खरीद कर ला रहे हैं कैश देकर, कैश पे कर रहे हैं, तो इस साइड आना है, यहाँ हम लोग जाएंगे और हम लोग लिखेंगे बाय, किस चीज के कारण के पेमेंट कर रहे हैं हम, परचेज करने के कारण, तो यहाँ लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, साथ ही में इसकी अमाउंट भी लिख देंगे जो की थी 5000 रुपीज, डेट भी लिखेंगे साथ में जो कि है फिर से 2017 और यहाँ पर लिखा मार्च 2। तो ऐसे कर हम लोगों ने सोचना है, किसी भी तरीके से सोचे आप, आपने बस सही तरीके से उसका इफेक्ट देना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे मार्च 5 को, यहाँ लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 4000। तो अब गुड्स बेचकर आ रहे हैं, कैश आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है हमारे पास, रिसिप्ट साइड जाएंगे और सीधा लिख देंगे गुड्स बेचने के कारण आ रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट, कैश आया था तो रिसिप्ट साइड चले गए, टू साइड ही होती है रिसिप्ट साइड, और साथ ही गुड्स बेचने के कारण कैश आया तो सेल्स अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया, अमाउंट लिख देंगे साथ में हम लोग 4000 रुपीज, साथ ही में डेट भी लिखेंगे जो कि है मार्च 5। या दूसरा तरीका सोचने का क्या, जर्नल एंट्री आपने पास करनी है, गुड्स बेच कर आ रहे हैं कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इन कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे हम लोग मार्च 10 को, यहाँ लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट रुपीज 10000। तो अब जल्दी से देखकर गुड्स परचेज ऐसे नहीं कर देना कि यहाँ पर लिख देना है बाय परचेजेस, गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ क्या लिखा है बाय रवि, नेम भी दे दिया और साथ ही में क्लैरिफाई भी कर दिया क्रेडिट पे ही है ट्रांजैक्शन। अगर सिर्फ भी लिखा होता गुड्स परचेज फ्रॉम रवि तो भी हमें अच्छे से पता है, सिर्फ नेम दिया हो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होनी है, ये ट्रांजैक्शन नहीं होगी रिकॉर्ड। तो ये तरीका रहता है कि जब भी सब्सिडरी बुक्स हो हमारे पास तो जो जिस सब्सिडरी बुक में आता है वो वहाँ डालो, जो चीज़ वहाँ नहीं आ रही कहाँ जाके डाल दो, जर्नल प्रॉपर में नॉर्मल जर्नल एंट्री वहाँ पास कर दो। साथ ही में जो भी आप सब्सिडरी बुक बना रहे हो तो जब कोई चीज़ आपको नहीं आपने उसमें रिकॉर्ड कर सकते तो साथ ही में आप लोग क्या करा करो, एक नोट लिख दिया करो, मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, नोट में लिखोगे कैश बुक records cash transactions only, hence credit purchase of goods on March 10 won't be recorded in cash book। तो अभी से ही ऐसी आदत डाल लो कि जब भी कोई चीज़ है, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, अभी जैसे हम कैश बुक बना रहे हैं उसमें सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते थे, कोई चीज़ आपकी मिस आउट हो रही है उसको आप नोट में ज़रूर लिख के आओ, ये हैबिट बना लोगे तो आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, कि कोई भी चीज़ टीचर को पता चलेगा कि इस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है, वो स्किप आउट नहीं हुई, मिस आउट नहीं हुई, उसको रीज़न भी पता है कि क्यों हमने वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे मार्च 13 को, यहाँ लिखा है पेड टू रवि रुपीज 7000। तो अब रवि को हम लोग पेमेंट कर आ रहे हैं, पेमेंट कर आ रहे हैं तो कहाँ, पेमेंट साइड ही लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय रवि, कितने रुपए पे कर आ रहे हैं हम, 7000 रुपीज इसको पे कर आ रहे हैं, तो हम लोग पेमेंट साइड पे गए और हमने लिखा रवि, क्योंकि रवि के कारण हम लोगों का कैश जो है वो 7000 रुपए से कम हो गया। या फिर जर्नल एंट्री पास कर लो, जर्नल एंट्री क्या रहेगी, रवि डेबिट टू कैश, तो इन कैश बाय रवि, वही हमने यहाँ पे किया है। डेट क्या थी इसकी, डेट हमारे पास है मार्च 13।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे हम लोग, मार्च 15 को यहाँ लिखा है कैश सेल्स ₹8,000। तो अब कैश में सेल्स कर आ रहा है हम लोग, कैश आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है तो रिसिप्ट साइड गए हम लोग, किससे आ रहा है, सेल कर रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए की सेल करी हमने, 8,000 की तो कैश हमारा बढ़ गया कितने रुपए से, 8,000 रुपए से ही बढ़ा। डेट भी लिखेंगे हम लोग मार्च 15, या फिर जर्नल एंट्री पास कर लेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो इन कैश टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे हम लोग, मार्च 18 को यहाँ लिखा है परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। तो अब फर्नीचर खरीद कर ला रहे हैं हम कैश पेमेंट करके, तो कैश पे कर रहे हैं, तो कैश पे कर रहे हैं तो पेमेंट साइड गए। यहाँ पे हमने लिखा बाय फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि हम क्या खरीद के ला रहे हैं, हम फर्नीचर खरीद कर ला रहे हैं, इसके कारण हमें कैश पे करना पड़ा कितने रुपए, 6,000 रुपए से हमारा कैश कम हो गया। और डेट भी लिखेंगे, इसकी डेट थी मार्च 18, या फिर इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे फर्नीचर खरीद के लाए कैश पे करके, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो इन कैश अकाउंट बाय फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे हम लोग, मार्च 20 को यहाँ लिखा है पेड वेजेस ₹380। तो अब वेजेस पे कर आ रहे हैं हम लोग, पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट साइड गए, और जल्दी से यहाँ क्या लिखा बाय वेजेस अकाउंट, साथ ही में इसकी अमाउंट भी लिख दी ₹380। ध्यान रखना है जब भी आप लोग डिजिट्स लिख रहे हैं तो वंस का डिजिट वंस के नीचे, टेंस का डिजिट टेंस के नीचे, ऐसे करके आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। डेट भी लिखेंगे साथ में इसकी, जो कि है मार्च 20। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, मार्च 24 को यहाँ लिखा है पेड रेंट ₹400। तो अब रेंट पे कर आ रहे हैं फिर से पेमेंट साइड गए, और क्या लिखा हमने बाय रेंट अकाउंट, कितने रुपए पे कर रहे हैं, ₹400 का रेंट पे किया हमने। डेट भी लिखेंगे साथ में, जो कि है मार्च 24। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, मार्च 26 को यहाँ लिखा है रिसीव्ड कमीशन ₹600। अब कमीशन हम लोग रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं मतलब कैश आ रहा है और एक इनकम हो रही है कमीशन के नाम से, कैश आ रहा है, रिसिप्ट साइड गए, और यहाँ क्या लिखा किस कारण से कैश आ रहा है, कमीशन के कारण, तो यहाँ लिखा टू कमीशन अकाउंट, कितनी कमीशन आ रही है, ₹600, मतलब कि कैश हमारा बढ़ रहा है ₹600 से। डेट भी लिखेंगे यहाँ पर, जो कि है मार्च 26। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च 28 को यहाँ लिखा है विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस ₹1,000। तो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कौन विड्रॉ कर लेके जा सकता है, ओनर ही लेके जा सकता है, मतलब कि ड्राइंग्स हो रहे हैं यहाँ पे, पर्सनल एक्सपेंडिचर कुछ भी करे ओनर अपना, ड्राइंग्स अकाउंट हमारे पास आ जाता है, कैश हमारा कम हो जाएगा क्योंकि वो विड्रॉ करके लेकर गया, तो हमारे बिजनेस का कैश क्या हुआ, हमारे बिजनेस का कैश कम हो गया, कैश कम हो गया, क्रेडिट साइड गए, और यहाँ पे क्या लिखा बाय ड्राइंग्स अकाउंट। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने डिफरेंट ट्रीट करना है, ओनर का अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर एंड बिजनेस का एक्सपेंडिचर, ताकि हमें बिजनेस की ट्रू पोजीशन पता चले। तो बिकॉज ओनर विड्रॉ कर ले गया कैश फॉर पर्सनल यूज, कैश हमारा कम हो गया किस कारण से, क्योंकि ड्रॉइंग्स हो गई, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो इन कैश अकाउंट बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। साथ ही में अमाउंट भी लिखेंगे हम लोग, जो कि है ₹1,000, और डेट लिखेंगे यहाँ पर, जो कि है मार्च 28। और लास्ट ट्रांजैक्शन हमें दी हुई है मार्च 31 को पेड सैलरी ₹900। तो अब सैलरी पे कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो बाय सैलरी अकाउंट, कितनी सैलरी पे करी है, ₹900, और साथ ही में इसकी डेट भी लिख देंगे हम लोग, जो कि है मार्च 31। तो ऐसे करके जितनी ट्रांजैक्शंस हमें दी हुई थी, जो भी कैश से रिलेटेड थी, हमने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लिया है। अब कैश बुक क्योंकि सब्सिडरी बुक भी है, इसलिए यहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग करी है अपनी तरफ से, लेकिन अपने आप ही क्या बन गया, प्रॉपर लेजर अकाउंट बन गया, क्योंकि हमें पता चल रहा है किस कारण कैश बढ़ा, किस कारण कैश कम हुआ, और अब हम उसका बैलेंस भी निकालेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैश बुक में सिर्फ ये है कि यहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होनी है, बैंक वाली भी रिकॉर्ड नहीं हो रही, क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं अभी हम, और दूसरी चीज़ क्रेडिट ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो अब कैश बुक को हम लोग क्लोज करेंगे, उसकी क्या करनी है, कास्टिंग करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, और हमें पता चल जाएगा कितना कैश का बैलेंस हमारे पास पड़ा है। तो कैसे करते हैं हम लोग लगाते हैं टोटल, हायर टोटल हम लोग दोनों साइड लिखते हैं, जो कि हमें अच्छे से पता है। अब कैश बुक बना रहे हैं, कैश में हायर टोटल होगा ही कौन सी साइड का, इसी साइड का टोटल हायर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इन दोनों साइड का टोटल सेम हो जाएगा, कि जितना कैश आया
उतना ही आपने पे कर दिया। हमेशा ये जो कैश बुक है ये डेबिट बैलेंस ही शो करेगी, बिकॉज आप कैश पे कैसे करोगे अगर आपके पास है ही नहीं, कैश होगा तो ही आप पे करोगे। तो ऑलवेज कैश अकाउंट में हमेशा डेबिट साइड का टोटल ही ज़्यादा होता है, एंड बिकॉज टोटल ऑफ डेबिट साइड एक्सीड्स द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, इसका मतलब क्या है, कैश बुक ऑलवेज हैज़ अ डेबिट बैलेंस। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, नील बैलेंस होगा, मतलब कि ये दोनों साइड्स टैली कर जाएंगी, बट यूजुअली डेबिट बैलेंस रहेगा कैश बुक का। तो अब टोटल देखते हैं क्या लग रहा है, 20,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000, 32,000, 32,600 इस साइड का टोटल लग रहा है, और यही हायर टोटल होगा। तो अब इस साइड का टोटल कम ही है, तो यही वाला जो टोटल होता है ये इस साइड ट्रांसफ़र हो जाता होता है। आपने ये एरो नहीं लगाना, मैंने सिर्फ इसलिए लगाया है कि जो हायर टोटल होता है वो दोनों साइड लिखा जाता है। तो इस साइड भी हम लोग लिखेंगे 32,600। अब इस साइड का टोटल तो असल में 32,600 है, बट इस साइड का टोटल तो है ही नहीं 32,600, मतलब कि यहाँ निकलनी है बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरेट डाउन। किस दिन निकलेगी, लास्ट डेट को निकलेगी मार्च 31। ये क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं हम कैश का, कितना कैश पड़ा है हमारे पास ऑन मार्च 31। तो अब 32,600 में से हमने ये सारी अमाउंट्स जो हैं वो माइनस करनी है, तो इनका टोटल क्या आ रहा है, 20,680 जो है वो इस साइड का टोटल बन रहा है। 32,600 में से हमने 20,680 माइनस करना है और वो होगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो मैं देख लेती हूँ बैलेंसिंग फिगर क्या निकल रही है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास निकल रही है 11,920। तो जब आपने कैलकुलेशंस करनी है बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है बस एक ही मिस्टेक हो सकती है जो कि है कैलकुलेशन की, तो वो बिल्कुल भी हमने नहीं करनी है। तो लेजर अकाउंट सीखते वक्त हमने अच्छे से सीखा था जो क्लोजिंग बैलेंस होता है हमेशा वहाँ कैरेट डाउन ही लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस किसी भी साइड आ सकता है, टू साइड भी आ सकता है, बाई साइड भी आ सकता है किसी और लेजर अकाउंट का, और जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो भी किसी भी साइड आ सकता होता है, हमने टू और बाय का ध्यान रखना होता है। बट बिकॉज अभी हम कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक मतलब कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, तो हमेशा बाय बैलेंस कैरेट डाउन ही निकलेगा, और हमें अच्छे से पता है इस बैलेंस कैरेट डाउन को हम नेक्स्ट पीरियड के लिए ब्रॉड डाउन भी कर देते होते हैं ऑपोजिट साइड पे। तो यहाँ मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये मार्च 31 था यहाँ पर, तो यहाँ आएगा अप्रैल 1 को ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है कैश का कितना, 11,920। तो ऐसे करके हमारी जो कैश बुक है वो यहाँ क्लोज हो जाएगी, और हमने सही से ये कैश बुक बना लिए, हमें अच्छे से पता चल रहा है कैश हमारा किस किस कारण बढ़ा, कितनी अमाउंट से बढ़ा, किस किस कारण हमारा कैश कम हुआ और कितनी अमाउंट से हुआ, और हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा हुआ है कैश का। तो करी हमने क्या है, करी हमने रिकॉर्डिंग ही है, सीधा ट्रांजैक्शन देख के ये कैश बुक बनाई है हमने, हमने कोई जर्नल नहीं बनाया था यहाँ पर, सीधा इस पर रिकॉर्ड किया है। और बिकॉज ये कैश बुक सर्व करता है एज अ कैश अकाउंट, जब लेजर अकाउंट्स बनाने होते हैं, एक प्रॉपर आपको क्वेश्चन है और आपको पास सब्सिडरी बुक्स बनानी है, तो उसमें आपको लेजर में अब कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होती। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे एक चीज़ लिख लेते हैं कि जो कैश बुक होती है, कैश बुक ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि अगर कैश है ही नहीं तो पे तो कर ही नहीं ना सकते, इसलिए कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। एट द मोस्ट क्या हो सकता है, दोनों साइड्स टैली कर जाएगी, निल बैलेंस होगा कैश का, बट ऐसा होगा नहीं, ज़्यादातर डेबिट बैलेंस ही होगा कैश बुक का। साथ ही में बस एक और चीज़ है कि जब ये कैश बुक आप बना रहे होते हो तो एक और तरीका है इसको लिखने का, जो भी आपका टोटल ऑफ रिसिप्ट होता है यहाँ पे एक लाइन लगा के लिख देते होते हैं टोटल रिसिप्ट, और वो यहाँ लिख देते होते हैं, और ऐसी ये पेमेंट साइड है तो यहाँ पे भी लाइन लगा के क्या लिखते हैं, टोटल पेमेंट्स लिख देते होते हैं, फिर ऐसे ही टोटल लगाते हैं और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर वैसे ही निकल जाती है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है यहाँ पे लिखना टोटल रिसिप्ट्स लाइन लगाकर और यहाँ पर टोटल पेमेंट्स उसी के सामने, ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट हम लोग यही तरीका फॉलो करेंगे नॉर्मल, जैसे हम लेजर अकाउंट बनाते थे, हम यहाँ पे कोई टोटल नहीं लगाते लाइन लगाकर जो एक्चुअल टोटल होता है, तो हम लोग कैश बुक बनाते वक्त भी ऐसे ही बैलेंस कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन निकालेंगे। तो इसी के साथ ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये तरीका रहता है सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने का, मतलब कि नॉर्मल जैसे हम लोग लेजर अकाउंट बनाते थे वैसे ही हमने बनाना है। ये बनाना और भी ज़्यादा आसान है क्योंकि हमें पता है
हमें दोनों इफेक्ट नहीं देने, हमें तो सिर्फ कैश बुक बनानी है, कैश वाला इफेक्ट ही हमने देना है। हमें पता है ये साइड पे रिसिप्ट लिखनी है, जब भी कैश आएगा इस साइड लिख देंगे और अकाउंट का नाम लिखेंगे जिस कारण से कैश आया, और जब भी कैश जाएगा, कोई भी कैश पेमेंट होगी या कैश कम हो रहा होगा, वो हम इस साइड लिख देंगे पेमेंट साइड, और साथ ही में दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे जिस कारण से वो कैश जा रहा है। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन सिंगल कॉलम कैशबुक का, और उसके बाद हम लोग डबल कॉलम कैशबुक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।